आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया के लोगों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही मोक्ष की धरती पर गंगा जल मिलना शुरू हो गया है। अब गया और आसपास के इलाकों में घर तक गंगा जल पहुंचेगा। पहले फेज में करीब 45,000 से अधिक घरों में और दूसरे फेज में शहर के 78,000 से भी ज्यादा घरों तक गंगा जल की सप्लाई होगी। ये रिपोर्ट देखिए। गया में हर घर गंगा जल, अमृत धारा से बुझेगी प्यास, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। मोक्ष नगरी गया जी में अब गंगा जल से प्यास बुझाइए। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये तस्वीरें गया में गंगा जल आपूर्ति योजना के शुभारंभ की हैं। अब गया और आसपास के लोगों की प्यास शुद्ध गंगा जल से बुझेगी। इस योजना की राजगीर से शुरुआत हुई है और अब यह दक्षिण बिहार के लिए सबसे अहम योजना के रूप में जानी जाएगी। अब हर घर जो गंगा जल की आपूर्ति आपको हो जाएगी, आपको पानी का कभी समस्या नहीं रहेगा। अब गंगा जल न सिर्फ पीजिएगा बल्कि जो खाना बनता है उसको बनवाइएगा। इतना ज्यादा पानी दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति 135 लीटर। अब आप समझ लीजिए इतना आपको मिलेगा। गया वासियों को सोमवार को एक साथ कई सौगात मिली, कुछ अहम सौगात जो आने वाले दिनों में मोक्ष नगरी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। वो है मानपुर के अबगीला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन, सीताकुंड में गंगा जल प्याऊ का शुभारंभ, रामसागर तालाब पर गंगा जल प्याऊ का शुभारंभ, महाबोधि मंदिर में गंगा जल प्याऊ का शुभारंभ। लगे हुए थे कि भाई जल्दी से जल्दी करा दीजिए, और आपको मालूम है कि इस पूरे काम को करने में गंगा जल की आपूर्ति जो करके यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए 4,175 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार ने किया है। आप सोच लीजिए। गया वासियों के घरों तक गंगा जल पहुंचाने के लिए करीब 450 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई गई है। पहले फेज में करीब 45,000 से अधिक घरों में और दूसरे फेज में शहर के 78,000 से अधिक घरों तक गंगा जल की सप्लाई होगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को सराहा। बोले, नीतीश कुमार ने फल्गु नदी को श्राप से मुक्ति दिलाई है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। कुछ लोग बकवास करते हैं, कहीं भी दिल्ली में बैठ करके के ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी है। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था, उसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा दिन नहीं रहता, किसी ना किसी के हाथ से श्राप की से मुक्ति मिल ही जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी को दिलाई है। राजगीर, गया, बोधगया में गंगा जल पहुंच चुका है। ये वाकई अनोखी योजना है। देश में ये ऐसी पहली योजना है जिसमें बाढ़ के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा है कि देश में कोई सोच नहीं सकता, हमने कर दिखाया। ये जो उनका आइडिया था, ये देश में पहली बार ये हो रहा है कि बाढ़ के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करके वो यहाँ पर आया है। देश में कहीं और ये काम नहीं हुआ जो आपने करके दिखाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गंगा जल योजना को ऐतिहासिक बता रहे हैं। मांझी का दावा है कि नीतीश कुमार ने अनहोनी को होनी करके दिखाया। इतिहास में लोग नीतीश कुमार को याद करेंगे। मरते समय हमें गंगा जल देना याद दिलाते हैं थे, वहां मिले या नहीं मिले अमृत जहां हम जाते हैं, उस अमृत को आप गया में लोकार्पण कर ला करके एक ऐसा काम कर दिया है
जो हमारे गया क्या बिहार के सारे लोग आपको जब तक ये सृष्टि रहेगी याद लोग करेंगे कि आपने एक अनहोनी काम कर दिया है। गया बोध गया में गर्मी के दिनों में पानी की बेहद किल्लत हुआ करती थी। इससे न सिर्फ आम लोग परेशान रहते थे बल्कि राजगीर, गया और बोध गया आने वाले पर्यटक भी पानी के किल्लत की समस्या से दो चार हुआ करते थे। अब न सिर्फ आम लोगों की प्यास आसानी से बुझेगी बल्कि होटल रेस्टोरेंट वाले भी अब पानी की किल्लत से परेशान नहीं होंगे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।